नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, जीआईसी प्रवक्ता जिसकी परीक्षा जून में प्रस्तावित है, उसके लिए जीके के 40 प्रश्न आएंगे। और ये 40 प्रश्न मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि ये 40 प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये आपके सिलेक्शन की लिस्ट में आपका नाम ला सकते हैं और आपको सिलेक्शन की लिस्ट से बाहर भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि इसकी मैं प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। तो इसके प्रैक्टिस सेट दो तरह से होंगे, एक तो आपको यूट्यूब पे वीडियो के माध्यम से मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा, दूसरा इसका ऑनलाइन टेस्ट आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे मिलेगा, जिसको आप ऑनलाइन टेस्ट देकर प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप 40 प्रश्नों में कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, आज ये पहली वीडियो है, क्लास वन है, तो शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, ये पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया, मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम आपसे पूछा गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो अहमद शाह अब्दाली का शासन काल, मतलब इस किस टाइम पे था अहमद शाह अब्दाली? अहमद शाह अब्दाली जो था वो अफगान दल का नेतृत्व उसने किया था पानीपत की तृतीय लड़ाई में। तो तृतीय लड़ाई कब हुई थी? ये हुई थी 1761 में हुई थी ना। और इसके बाद मोहम्मद शाह के बारे में बात करेंगे, तो मोहम्मद शाह का शासनकाल जो है 1719 से 1748 था, 1719 से 48 तक था। और जहांगीर की बात करेंगे तो यहां पे 1605 से 27 तक जहांगीर का शासन था, ठीक है। बहादुर शाह द्वितीय की बात करेंगे तो 1837 से लेके इनका शासन था 57 तक। तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर कौन सा है, सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा जहांगीर, यानी कि थ्री देखिए यहाँ पे सबसे पहले आएगा, उसके बाद नंबर टू आएगा 1719, फिर आएगा 1761, एक और चार। तो आंसर क्या हो गया आपका? सी, इस प्रश्न का उत्तर सी हो गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? तो चित्रकला की मुगल शैली का जो प्रारंभ किया था, इसकी जो नींव पड़ी थी चित्रकला के बारे में, देखिए आप लोग जानते होंगे कि चित्रकला जो है शाहजहाँ स्थापत्य कला के लिए जाने जाते हैं और जहांगीर जाने जाते हैं चित्रकला के लिए, लेकिन यहाँ पे हुमायूं सही उत्तर है इसका, क्योंकि जो मुगल शैली के प्रारंभ की बात यहाँ पे की जा रही है, मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था चित्रकला के क्षेत्र में। मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में ही पड़ी थी, अपने फारस एवं अफगानिस्तान में निर्वासन काल में उसने मीर सैयद अली और अब्दुल समद नामक दो फारसी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हुमायूं, यानी कि ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे आते हैं। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया? सिजदा को किसने समाप्त किया था? सिजदा जो है समाप्त किया गया था शाहजहां के द्वारा। अब सिजदा जो है 1636 से 37 ईस्वी में सिजदा प्रथा का अंत कर दिया गया था, और इसको किया था अंत शाहजहां ने किया था। दोस्तों, अगला प्रश्न है। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ प्राप्त होते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये देखिए, सराय नाहर राय से भी मिलते हैं और मधादा से भी मिलते हैं। तो इसका उत्तर ए और बी होगा। ऐसे बहुत से प्रश्न आयोग में होते हैं जहाँ पे उत्तर ए एंड बी करके भी दिया रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं दिया गया है चारों का, लेकिन यहाँ पे इसका सही उत्तर ए और बी होगा, क्योंकि तीन जगहें थी जहाँ से ये प्राप्त हुए थे। एक तो मदहा हो गई, दूसरी सराय नहर, और जो तीसरी जगह थी वो थी दमदमा। तो ये तीन जगह थी जहाँ से जो है हड्डी से निर्मित आभूषण प्राप्त किए गए थे। तो यहाँ पे दो चीज़ें दी गई हैं, इसलिए दोनों उत्तर होंगे इसके। अगला प्रश्न है कि 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई। भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल की बात हो रही है, तो भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल जो है उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले में स्थापित की गई थी। तो देवरिया ऑप्शन में आपको नहीं मिल रहा है यहाँ पर। तो देवरिया ज़िले में स्थान देख लीजिए कौन सा स्थान था, तो जो स्थान था वो था प्रतापपुर। तो ये प्रतापपुर का जो ऑप्शन है ये सही है, यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। देवरिया ज़िले के प्रतापपुर नामक जगह पर चीनी मिल की स्थापना की गई थी।
अगले प्रश्न पे आते हैं, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं, कपास के रेशे जो होते हैं किस चीज़ से मिलते हैं, क्या ये पर्ण से मिलते हैं, तने से मिलते हैं, बीज से मिलते हैं या मूल से मिलते हैं। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन बी है, ये जो है बीज से मिलते हैं। गुलाबी क्रांति का संबंधित का संबंध किससे है, यानी कि गुलाबी क्रांति किस चीज़ से संबंधित है। तो गुलाबी क्रांति का संबंध जो है यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से प्याज है, पिंक रिवॉल्यूशन बोलते हैं, प्याज से संबंधित है गुलाबी क्रांति। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, पी सेन गुप्ता और जी सदायुष्क ने भारत को कितने लघु कृषि क्षेत्रों में बांटा। तो भारत की जो जनगणना की गई, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ जनगणना ने भारत को 1968 में चार दीर्घ और 11 बड़े, 60 लघु और 60 लघु क्षेत्रों में बांटा। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कितने लघु क्षेत्रों में बांटा गया, लघु कृषि प्रदेशों में बांटा गया। तो उत्तर हो जाएगा 60, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। दोस्तों अगले प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो नांगल बांध सतलुज नदी पे है, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे है, नागार्जुन सागर गोदावरी नदी, ये गलत है यहाँ पे, यानी कि ये जो मिलान किया गया है ये गलत मिलान किया गया है। नागार्जुन सागर कहाँ पे है, नागार्जुन सागर जो है कृष्णा नदी पे है, गोदावरी पे नहीं है, ये कृष्णा नदी पे है। तो इसलिए हमारा उत्तर जो है ये सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सी ऑप्शन यहाँ पे सही आएगा। कौन सा सुमेलित नहीं पूछा जा रहा, तो ये सुमेलित नहीं है। और हीराकुंड बांध की बात करते हो तो ये महानदी पे है ऑलरेडी। तो एक तरफ बांध और एक तरफ नदी, ये प्रश्न एग्जाम में आपके एक आएगा ही आएगा, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, देखिए यहाँ पर मिलान करना है और मिलान करने के बाद नीचे के हिसाब से आंसर देना है। तो कोलोराडो नदी जो है किस बांध नदी पर कौन सा बांध बना है, कोलोराडो पर जो है जो बांध बंधा है वह है हूबर। दामोदर नदी पे कौन सा बंधा हुआ है, दामोदर नदी पे है पंचेत हिल, तो इसको यहाँ से मिला दीजिए। नील नदी पे कौन सा है, अश्वन, इसको यहाँ से मिला दीजिए। अब जम्बेजी इस पर करीबा बांध हो जाएगा। तो इस तरह से मिलाने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, तो यहाँ पे डी सही हो जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, यहाँ पे देखिए कथन और कारक वाले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है, ये कथन कहा गया है। कारक क्या लिखा है, अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्ण काल का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने की गति घूमने के काल के बराबर होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण देता है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, यहाँ पूछा जा रहा है निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है। कृषि जल संरक्षण में सहायता करने वाली जो पद्धति हैं वो यहाँ पे दी गई हैं। तो यहाँ पे भूमि की कम या शून्य जुताई, जब भूमि की शून्य जुताई होगी या कम जुताई होगी तो कृषि जल संरक्षण में सहायता मिलेगी, यानी कि ये सही है, वन सही है। और इसके साथ साथ जो है दूसरा है, खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग करने से, ये भी सही है। तीसरा है, फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना, ये भी सही है। तो ये तीनों कारक ऐसे हैं जिसे जल संरक्षण में सहायता मिलती है, उत्तर हो गया सही डी। अगले प्रश्न पे आते हैं, भारत का वह राज्य जो खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है। तो अधिकतम अंशदान करने के लिए जो यहाँ पे राज्य दिए गए हैं इसमें उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो उत्पादन है वो 19.17% उत्पादन है, बाकी अन्य राज्यों का उत्पादन इससे कम है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ जाएगा 11.5%, लेकिन उत्तर प्रदेश नंबर वन पे आएगा।
और 11.05% पे आता है पंजाब, ये थर्ड नंबर पे है। ये सेकंड है मध्य प्रदेश, थर्ड में पंजाब है, फर्स्ट में उत्तर प्रदेश है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक 2001 से 11 के दशक में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर रही है। तो 17.7% वृद्धि दर थी, दशकीय वृद्धि दर, 10 साल में वृद्धि दर जो थी 17.7 थी 2001 से लेकर 2011 में। तो 2001 से 11 में 17.7% थी, तो ये उत्तर बिल्कुल इसके करीब है, 17.64 उत्तर जो है बिल्कुल करीब है, तो ये बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहले आपको भारत का लिंगानुपात मालूम होना चाहिए 943 जो कि है, और इसके बाद इससे जो ऊपर होगा उस राज्य को यहाँ पे टिक करना है। तो गुजरात का आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे कितना है, 919 है गुजरात का, तो ये तो ऊपर है नहीं। झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड का है 947, और महाराष्ट्र का कितना है 929, और मध्य प्रदेश का कितना है 931। तो इसमें उत्तर सही क्या है, झारखंड सही है, बी ऑप्शन सही है। आप एक काम कीजिए, 943 से ऊपर जितने भी राज्य हैं उनकी एक लिस्ट बना लीजिए कि इन इन राज्यों की ऊपर है, तो आपका यह प्रश्न सही हो जाएगा। जैसे यह प्रश्न अगर एग्जाम में आता है तो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम क्या है। मुद्रा का जब अवमूल्यन होता है तो देश में निर्यातों का बढ़ना और आयातों का घटना, यह मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है। तो उत्तर सही हो जाएगा सी। अगले प्रश्न पूछा जा रहा है कि जैव वानिकी बायोनॉमिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसका शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या, देखिए बायो का अर्थ होता है जीवन, नॉमिक्स का मतलब होता है नियम, तो जीवन का प्रबंधन यहाँ बोला जा रहा है, यानी कि ये गलत है। यह परिस्थितिकी का पर्याय है, सिनोनिम्स है, तो ये बिल्कुल सही है। और आगे क्या दिया गया है, यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करता है, ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है, 2 और 3 किस ऑप्शन में सही है, तीसरे ऑप्शन में सही है, उत्तर हो गया सी। अगला प्रश्न है, मिलेनियम इकोसिस्टम एसेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है, व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और संस्कृति। इनमें से कौन सी एक समर्थन सेवा है, तो जो समर्थन सेवा है वो इसमें से है पोषक चक्रण और फसल परागण, फसल परागण और पोषक चक्रण जो है उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यहाँ पे सही हो जाता है। 19वें प्रश्न पे आते हैं, यहाँ पे लिखा परिस्थितिकी निशे यानी कि जिसको आला बोलते हैं, कि संकल्पना को प्रतिपादित किया था, किसने किया था प्रतिपादित, ग्रीनेल ने किया था, उत्तर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है और ये आज का अंतिम प्रश्न है, परितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यम या माध्यमों से समुद्री उत्पादकता को बढ़ाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब ये बढ़ाते कैसे हैं, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है तो इसमें 2 सही हैं, दूसरा और तीसरा पोषकों को सतह पर लाकर और अधस्थलीय जीवों को सतह पर लाकर, और ये दोनों ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गए आज के टॉप 20 क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, और पैटर्न हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि किस पैटर्न के प्रश्न आते हैं, इस पैटर्न से आपको पढ़ाई करनी है, किस किस तरह के, जैसे कि हमने एक लिंगानुपात वाला प्रश्न बताया आपको, और मिलान वाले प्रश्न बताए, नदी और बांध वाले प्रश्न बताएं, तो इसी तरह के प्रश्न आपके आते हैं, और भी अच्छे अच्छे प्रश्न हम अपने आगे आने वाले वीडियो में लेके आएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक कर लें, और अगर इस तरह के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लें जो कि CP स्मार्ट क्लासेस के नाम से है और गूगल प्ले स्टोर में उपलब्ध है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट के साथ, धन्यवाद।